We still have far to go. We'll press forward with speed and urgency, for we have much to do in this winter of peril and significant possibilities. Much to repair, much to restore, much to heal, much to build, and much to gain. अमेरिका के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के कुछ घंटे बाद ही जो बाइडेन ने पेरिस जलवायु समझौते को लेकर एक बड़ा फैसला किया। राष्ट्रपति बाइडेन ने बुधवार को घोषणा की कि अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से दोबारा जुड़ने जा रहा है। 2015 के पेरिस जलवायु सम्मेलन में 196 पार्टियों की ओर से अपनाया गया ये समझौता 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ था। दुनिया भर में बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के खतरे के मद्देनजर पेरिस जलवायु समझौते पर कई देशों की सहमति बनी थी। डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका पिछले साल पेरिस जलवायु समझौते से अलग हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति बाइडेन ने बुधवार को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए, जिसके मुताबिक अमेरिका दोबारा पेरिस जलवायु समझौते से जुड़ेगा। इस मौके पर बाइडेन ने कहा, अब हम जलवायु परिवर्तन से एक नए तरीके से मुकाबला करने जा रहे हैं, जो कि अब तक हमने नहीं किया है। यूरोपीय आयोग यानी कि ईयू की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के पहले दिन पेरिस समझौते में शामिल होने के उनके फैसले की प्रशंसा की। उर्सुला ने ट्विटर पर लिखा, मुझे खुशी है कि नए अमेरिकी प्रशासन ने अपने पहले कार्य दिवस के दिन पेरिस समझौते में फिर से शामिल होने का फैसला किया है। यह हमारे नए सहयोग के लिए शुरुआत है और हम और आगे बढ़ेंगे। पेरिस जलवायु समझौते का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना है, ताकि सदी के अंत तक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर के 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कर दिया जाए। ये समझौता 5 साल के चक्र पर काम करता है। इसके लिए विकसित देश, अल्प विकसित देश और विकासशील देशों को वित्तीय मदद उपलब्ध कराते हैं। किसी देश की सरकार अकेले बूते इन उद्देश्यों को पूरा नहीं करा सकती, इसलिए समझौते में विभिन्न संस्थानों की भूमिका बेहद अहम है। इसके साथ ही जो बाइडेन ने जो और महत्वपूर्ण फैसले लिए, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। कोरोना महामारी को कंट्रोल करने का जो बाइडेन ने फैसला किया है। आम लोगों को बड़े स्तर पर आर्थिक मदद देने का ऐलान भी किया है। नस्ल भेद को खत्म करने की ओर कदम बढ़ाने का जो बाइडेन ने फैसला किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से हटने के फैसले को बाइडेन ने रोक दिया है। बॉर्डर पर दीवार बनाने के फैसले को भी रोका है और फंडिंग भी रोक दी है। ट्रंप प्रशासन द्वारा जिन मुस्लिम देशों में बैन लगाया गया था, उसे वापस लिया गया है। वहीं आपको बता दें, 20 जनवरी यानी कि बुधवार को डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति और कमला हैरिस ने पहली महिला उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। बाइडेन को प्रधान न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने कैपिटल बिल्डिंग के वेस्ट फ्रंट में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। हमारे इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।